राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज फ्राइडे का दिन है, आज महालक्ष्मी जी का दिन है। आज मैं आपके लिए कुछ टिप्स लेके आई हूँ महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए और वीनस, अपना वीनस स्ट्रांग करने के लिए। वीनस ग्रह इज शुक्र ग्रह। जिस भी इंसान का शुक्र ग्रह अच्छा होता है उन्हें लग्जरी लाइफ, वाहन का सुख, पत्नी का सुख, नौकर चाकर का सुख, ये सभी उन्हें प्राप्त होता है। सो आप अपना वीनस कैसे स्ट्रांग करें और महालक्ष्मी जी की कृपा अपने ऊपर कैसे बनवाएं, वो मैं आपको अब कुछ बताऊंगी, कुछ उपाय दूंगी और कुछ टिप्स दूंगी। सबसे पहली टिप, हमें आज के दिन करना क्या चाहिए। हमें कुछ अपने नियम बनाने चाहिए जिससे हम स्टार्ट करें, जिससे हमारे घर में बरकत आए। ये स्पेशली लेडीज को करना चाहिए। और जो पुरुषों के लिए उपाय है, सबसे पहला टिप है जो पुरुषों के लिए, अगर वो अपना शुक्र अच्छा करने चाहते हैं, महालक्ष्मी जी की कृपा पाना चाहते हैं, तो उन्हें सबसे पहला और विशेष उपाय ये है, उन्हें अपनी पत्नी, अपनी माता, अपनी बहन, अपनी कोलीग्स, कोई भी जो स्त्री है, अपनी गर्लफ्रेंड कोई भी है, उनकी रिस्पेक्ट करें। इससे आपका शुक्र इन्हांस होगा और आपके घर में बरकत आएगी। महालक्ष्मी आपके घर में प्रसन्न होकर आएंगी अगर आपके घर में स्त्री की इज्जत की जाएगी। उसके बाद दूसरी टिप, हमें क्या करना है, लेडीज़ को क्या करना है। लेडीज़ को एवरी डे घर में अपने, स्पेशली अपने बेडरूम में जहां आप हस्बैंड वाइफ सोते हैं, वहां आपको कपूर जलाना चाहिए। इससे आपके घर से नेगेटिविटी जाएगी, बरकत आएगी और घर में जो भी लड़ाई झगड़ा कलेश है वो खत्म होगा, समाप्त होगा, हस्बैंड वाइफ में प्रेम बढ़ेगा। उसके बाद मैं आज आपको दो उपाय दूंगी, दो टिप्स दूंगी जो लेडीज को रेगुलर करना चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ कि रेगुलर वाली टिप्स भी देती होती हूँ। आज मैं आपको दो दूंगी, पहले मैं आपको एक टिप देती हूँ जो हम रेगुलर कर सकते हैं उपाय, आज मैं आपको दो रेगुलर उपाय दूंगी। पहला उपाय, जो भी घर की स्त्री है उसे सुबह जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठकर एक लोटे में जल लेकर, जो हमारा मेन डोर होता है उसकी साइड्स, दोनों कॉर्नर्स पर उस जल को छिड़कना चाहिए। छिड़कना नहीं, डाल दें उस लोटे के जल को, क्योंकि इससे हमारे घर में कलेश, कला कलेश नहीं होता, घर में शांति आती है और घर में बरकत बनी रहती है। दूसरा उपाय 40 दिन करना है। हम लोग ये फ्राइडे से स्टार्ट कर लिए, आप लोग ये हमें करना क्या है, लेडीज को, ये भी लेडीज के लिए उपाय है, लेडीज को ही करना है। आप एक गंगा जल ले लें लोटे में, गंगा जल, उसमें कुछ केसर के स्टिक्स डाल लें और हल्दी, टर्मरिक डालें, उसमें पिंच ऑफ टर्मरिक आप डालें और उसे हमने जल बनाया है उसे आप अपने मेन डोर पर छिट्टा दें। इससे भी आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा, महालक्ष्मी प्रसन्न होंगी और हमारे घर में आएंगी और खुशी खुशी रहेंगी। और तीसरा टिप ये है, ये छोटा सा टिप है, ये सबके लिए है कि हमें जब भी अपने घर में महालक्ष्मी जी की पिक्चर लेके आनी है तो सिटिंग महालक्ष्मी लेके आने हैं, कभी भी खड़े हुए महालक्ष्मी की पिक्चर नहीं लेके आनी है। क्यों? क्योंकि महालक्ष्मी जी तो वैसे ही चंचल हैं, ये आते हैं तो जाते हैं, लक्ष्मी जी वैसे ही चंचल हैं, अगर हम खड़े महालक्ष्मी लेके आएंगे तो वो हमारे घर में टिकेंगी नहीं, बरकत नहीं होगी हमारे घर में, वो आएंगी और चली जाएंगी। सो इसलिए हमें लक्ष्मी जी को स्थापित करना है हमारे घर में। सो सिटिंग फोटो ऑलवेज लक्ष्मी जी की लेके आए, किसी भी भगवान की खड़ी तस्वीर कभी मत लें, सिटिंग ही लें, क्योंकि हम हर भगवान को अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं और उन्हें स्थापित करना चाह रहे हैं। सो हमें ऑलवेज सिटिंग भगवान की फोटो लानी चाहिए। उसके बाद जो भी आप अपने घर में अबंडेंस लाना चाहते हैं, अपने घर में प्रोस्पैरिटी लाना चाहते हैं, अपने घर में बरकत लाना चाहते हैं, पैसे की आगमन करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, आपको ये रेगुलर करना है। फ्राइडे से स्टार्ट करें, रेगुलर करना है। करना क्या है, जो भी इंसान बहुत मेहनत कर रहा है, उसका पैसा फंस जाता है, वापस नहीं आता, वो इंसान ये ज़रूर करके देखे। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एक इत्र या परफ्यूम आपको लेना है। परफ्यूम, ब्रांडेड परफ्यूम यूज़ करें, ट्राई करें कि आप ब्रांडेड परफ्यूम यूज़ करें। जितना अच्छा ब्रांडेड परफ्यूम आप यूज़ करेंगे उतना अच्छा आपके घर में लक्ष्मी आएंगी और आपके वीनस स्ट्रांग होगा,
बिकॉज जो वीनस है वो ब्रांडेड चीज़ों का और हमारे लग्जरी लाइफ का उन्हें डिपार्टमेंट दिया गया है. आप ब्रांडेड परफ्यूम यूज़ करें, उस परफ्यूम को करना क्या है, उस परफ्यूम को नहा कर जब आप निकलते हैं आपको अपनी नाभि पर, नाभि हमारा एक चक्र है, हमारे 7 चक्रास हैं उसमें से एक चक्र है, उस चक्र पर नाभि पर आपको इत्र छिड़कना है या परफ्यूम लगाना है जिससे आपका शुक्र एक्टिवेट होगा. शुक्र एक्टिवेट होकर आपको पैसा देगा और आपको लग्जरी लाइफ देगा. यहाँ परफ्यूम लगा सकते हैं, दिस इज ऑल्सो शुक्र माउंट, इस पर परफ्यूम लगाएंगे तब भी हमारा शुक्र एक्टिवेट होगा. उसके बाद कुछ उपाय हमें फ्राइडे के दिन, सबसे पहला उपाय मैं आपको कह चुकी हूँ हमें क्या करना चाहिए. हमें अपने रूम में कैम्फर जलाना चाहिए. ये ट्राई करें कि आप रोज नहीं जला सकते, कर सकते तो आप 21 डेज करके देखें तो आपको इसका रिजल्ट पता चलेगा. कैम्फर इज कपूर, कपूर जलाकर देखें. 21 डेज आप अपने घर में कपूर जलाकर देखें. अब मैं आपको मनी पॉट, मनी मैग्नेट पॉट बनाना सिखाऊंगी. मनी मैग्नेट पॉट जो कि आप बनाकर अपने लॉकर में रखेंगे तो मनी मैग्नेट की तरह मनी खींचती हुई हमारे तरफ आएगी. वो क्या है मनी मैग्नेट पॉट, आपको एक मड पॉट लेना है, छोटा सा ले लें, छोटा सा मड पॉट, एक मड पॉट लेना है. मड पॉट इज घड़ा होता है, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का छोटा सा पॉट ले लें, छोटा सा, जिसमें सिर्फ जिसमें आप 5 कॉइन डालें. कोई से भी कॉइन हो सकते हैं, 5 रुपीज़ के, 1 रुपीज़ के, 2 रुपीज़ के, इट्स योर चॉइस. आप वो कॉइन्स उस मड पॉट में डाल दीजिए, उसके ऊपर कुछ कोई भी गेहूं हो, राइस हो, मेज हो, कोई भी तीनों में से आपके पास गेहूं हो, राइस नहीं है, राइस है, गेहूं नहीं है, कोई भी तीनों में से एक चीज़ उस पर डालें और लाल कपड़े से उसका मुंह बंद कर दें और मौली से उसको बांध दें. उसे 24 आवर्स आप अपने मंदिर में रखें, उसकी पूजा करें. 24 आवर्स रखने के बाद उसके अगले दिन आपको वो पॉट उठाना है और अपने लॉकर में रख लेना है. इससे आपका मनी अट्रैक्ट होगा और आपकी जो अर्थ एलिमेंट है वो बैलेंस होगा. क्योंकि मैं पिछली वीडियोस में कह चुकी हूँ कि जो हमारी अलमीरा होती है, लॉकर होता है, उसे साउथ वेस्ट में रखना, साउथ में रखना चाहिए और उसकी फेसिंग नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए. साउथ इज अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट पर अगर आप अर्थ का पॉट रखेंगे और साथ में वीनस लक्ष्मी जी को रखेंगे तो आपका अर्थ एलिमेंट बैलेंस होगा. उसके बाद अब मैं आपको सेकंड लास्ट बट नॉट लीस्ट उपाय देने जा रही हूँ हमें करना क्या है. हमें ये उपाय जो भी मंथ स्टार्ट हो रहा है, जैसे जुलाई स्टार्ट हो रहा है, उसके जो फर्स्ट फ्राइडे आएगा उससे स्टार्ट करना है. जो फर्स्ट फ्राइडे आएगा उसको करना है, उससे स्टार्ट करना है. आपको एवरी फ्राइडे ये उपाय करना है, एवरी फ्राइडे नहीं करना है, ये फर्स्ट फ्राइडे को स्टार्ट कर ले, बस आप देखें कि आपका मंथ अच्छा जाएगा. फर्स्ट फ्राइडे को करना है. करना क्या है, हमें थोड़ा सा नमक लेना है, चाहे आप सी सॉल्ट ले ले, चाहे आप रॉक सॉल्ट ले ले, चाहे आप अपना सिंपल सॉल्ट ले ले, इट्स योर चॉइस. आपको वो जो हमारे मेन डोर के, हम मेन डोर पे हम पायादान रखते हैं, फुट मैट रखते हैं, उसके ऊपर छिड़क देना है. उसके ऊपर छिड़कने से हमारे घर की नेगेटिविटी बाहर जाएगी और प्रोस्पैरिटी और एनर्जीज को हम अट्रैक्ट करेंगे हमारे घर में. इससे हमारे घर में बरकत आएगी, नेगेटिविटी जाएगी, घर से क्लेश खत्म होगा. और जो फ्राइडे के उपाय होते हैं ये स्पेशली लेडीज किया कीजिए, इससे आपके घर हस्बैंड और आपके घर वालों के लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे. सो ये उपाय लेडीज के लिए होते हैं. और एक लास्ट उपाय ये आप कर लिया कीजिए एवरी फ्राइडे. ये किसी का भी, हमें नहीं पता कि शुक्र अच्छा है, कमजोर है, नीच का है, तो ये उपाय आप कोई भी कर सकते हैं. आपको करना क्या है, आपको खीर बनाकर महालक्ष्मी जी को भोग लगाना है. ये आप मंथ के फर्स्ट फ्राइडे कर लें या आप रेगुलर सब फ्राइडेज कर लें, थोड़ी सी खीर बनाएं और उन्हें भोग लगाएं. नहीं कर सक खीर बना सकते तो आप एक मखाने, व्हाइट मखानों की माला बनाकर लक्ष्मी माता को अर्पित करें.
इससे भी आपका वीनस अच्छा होगा, महालक्ष्मी का आगमन होगा, आपके घर में बरकत आएगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होंगी। राधे राधे फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर किया कीजिए। प्लीज ऐसे ही सपोर्ट करते रहें सो दैट मैं आपके साथ चलती रहूं, नए उपायों के साथ आपके सामने आती रहूं। राधे राधे फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरी वन सपोर्ट जिन्होंने भी अभी तक मेरे को की है, उनको भी थैंक यू। राधे राधे।